नमस्कार बच्चों, हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम हिंदी की कक्षा में हिंदी व्याकरण के अंतर्गत पाठ एक का अध्ययन करेंगे। यह आपकी हिंदी व्याकरण की पुस्तक है। इसका नाम है हिंदी व्याकरण दीपिका भाग दो। ये इसकी विषय सूची है और इसके अंतर्गत ये पहला पाठ है गीत। तो ये देखिए पाठ एक गीत। तो इसमें क्या है, ध्यान से देखिए। इसमें दो कविताएं हैं और इनके अलग अलग शीर्षक हैं। पहली कविता आम के ऊपर लिखी गई है और दूसरी कविता तारे के ऊपर। तो बच्चों, आम क्या है? आम एक फल है, ये गर्मी के मौसम में मिलता है और इससे क्या बनता है, इससे बहुत सारी स्वादिष्ट चीज़ें बनती हैं। चटनी बनती है, आम अचार बनता है और मुरब्बा बनता है, इसका जूस बनता है और जैम भी बनता है। और जब आम कच्चा होता है तो हरे रंग का होता है और जब पक जाता है तो उसका रंग पीला हो जाता है। पर कुछ का आम ऐसे भी हैं जिनका पकने के बाद भी रंग हरा ही रहता है। तो चलिए इस कविता को पढ़ते हैं और इसका आनंद लेते हैं। शीर्षक है आम। तो आप भी अपनी पुस्तक निकाल लीजिए, व्याकरण की पुस्तक, और मेरे साथ पढ़िए। मैं हूँ पीला पीला आम, मैं हूँ बड़ा रसीला आम। मैं हूँ पीला पीला आम, मैं हूँ बड़ा रसीला आम। खा लो मुन्ना खा लो मुन्नी, स्वाद बहुत पर कम है दाम। खा लो मुन्ना खा लो मुन्नी, स्वाद बहुत पर कम है दाम। इसमें आम आपसे कह रहा है कि मैं पीले रंग का हूँ और मेरे अंदर बहुत सा रस भरा हुआ है, आप सब मुझे खाइए और मेरे अंदर बहुत स्वाद है और मेरा दाम बहुत ही कम है। दाम मतलब मेरी कीमत बहुत कम है लेकिन स्वाद बहुत ज़्यादा है। इसलिए बच्चों, आपको आम अवश्य ही खाना चाहिए। इसके अलावा भी जो फल मिलते हैं उन्हें खाना चाहिए क्योंकि फलों में बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं। तो अगली कविता देखते हैं। इसका शीर्षक है तारे। आसमान में प्यारे प्यारे लगते कितने सुंदर तारे। चंदा मामा इनका राजा, लगता जैसे मक्खन ताजा। आसमान में प्यारे प्यारे लगते कितने सुंदर तारे। चंदा मामा इनका राजा, लगता जैसे मक्खन ताजा। तो इसमें तारों के बारे में बताया गया है कि आसमान में प्यारे प्यारे बहुत ही सुंदर तारे हैं, क्योंकि जब तारे चमकते हैं तो बहुत ही सुंदर दिखाई देते हैं। और चंदा मामा जो है इनका राजा है। देखिए चित्र में, देखिए चंदा मामा बड़ा भी है आकार में और इन सबके बीच में है, और ये भी रात को ही निकलता है, इसलिए इसको इनका तारों का राजा कहा गया है। और चंदा मामा कैसा दिखाई देता है, ऐसा लगता है जैसे किसी ने ताज़ा मक्खन निकाल कर रखा हो। देखिए सफ़ेद रंग का भी है और बिल्कुल मक्खन जैसा दिखाई दे रहा है। तो इसमें चंदा मामा को क्या कहा गया, राजा कहा गया है, और ऐसा लगता है जैसे कि कोई ताज़ा मक्खन रखा हुआ है। तो ठीक है बच्चों, तो इन कविताओं को आपको याद करना है और इनको इसी तरह गाकर मुझे सुनाना है और इनका आनंद लेना है। और आप कोशिश करिए जिस प्रकार यहाँ पर आम शीर्षक पर कविता लिखी गई है, उसी प्रकार आप भी किसी एक
फल के ऊपर कुछ पंक्तियाँ लिखने का प्रयास करिए, कोई कविता बनाने का प्रयास करिए। आप कोशिश करेंगे तो अवश्य ही बन जाएगी। चार चार पंक्तियाँ आप आसानी से लिख सकते हैं, लेकिन इस बात का ध्यान रखिए हर पंक्ति का जो अंतिम शब्द है वो समान तुक वाला होना चाहिए। समान तुक का मतलब क्या होता है? जैसे देखिए आम, इसका समान तुक वाला शब्द क्या है? दाम। ठीक है, देखो एक ही जैसा उच्चारण आ रहा है ना, आम दाम, दोनों में म आ रहा है ना अंतिम वर्ण। इसी प्रकार प्यारे तारे, राजा ताजा, तो देखिए अंतिम वर्ण सब में समान है, एक दूसरे से समान है। जैसे प्यारे में र है और तारे में भी र है, र के ऊपर दोनों में एक ही मात्रा लगी हुई है। तो इसी तरह जब भी हम कविता लिखते हैं अगर अंतिम वर्ण समान तुक वाले होते हैं तो कविता बहुत ही अच्छी लगती है सुनने में। हम जब उसका उच्चारण करते हैं, उसका गायन करते हैं तो वो बहुत ही अच्छी लगती है, मन को भाती है। तो आप भी कोशिश करिए और आप अवश्य ही लिख पाएंगे। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं अगली कक्षा में। अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद बच्चों।